सोने से पहले आप लोग एक अपडेट कर देती हूँ कि स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी मुबारक हो। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और आज मैं अपने घर में, तो आज हमारा कुछ और प्लान है। रितु बना रही है चाय। रितु और मम्मी मिले नहीं रात के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में मम्मी वॉशरूम में है, रितु यहाँ पे है। दिखा देती हूँ, रितु बना रही है चाय, जो दिन की शुरुआत करेगी चाय के साथ। तो अभी हम चाय पियेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। हमारा कहीं जाने का प्लान है आज, हमें जाना है सरोजनी मार्केट। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, बता रही हूँ, मेरा जो ट्रिप स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है, सरोजनी मार्केट जाना है। तो पहले तो चाय और पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं कितने में निकले हैं, कितने बजे पहुँचें, क्योंकि जो दिल्ली के उनको पता ही है कि सरोजनी में कितनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। तो जल्दी जाके जल्दी आ जाओ, वो अच्छा है। जितना लेट जाओगे उतना वहाँ भीड़ स्टार्ट हो जाती है। तो आज क्या, आज फ्राइडे है, भीड़ थोड़ा कम ही होगा, लेकिन आज छुट्टी है तो मैं भी भीड़ हो वहाँ इतना। हमें तो शॉपिंग करनी है, लड़कियाँ शॉपिंग ना करें कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो चाय पीते हैं, चाय पीने से पहले एक ग्लास पानी पीऊँगी, दिन की जो शुरुआत करूँगी पानी के साथ, नॉर्मल वाटर। हाँ, इतने लूज कि बाबा जी दिखेंगे। हाँ, कम्फर्टेबल रहता है। कितने लूज हैं देखो ये, हम बाबा जी लग रहे हैं। हमारी चाय भी आ गई, मम्मी नहीं आई, बस मम्मी भी आ गई। बाप रे, इतना भर भर के कप दे दिया रही तो तुमने चाय। मम्मी हेलो कर दो, हेलो हेलो। पियो अपनी चाय। चाय पीने के बाद गाइस मैंने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें मेरे पास था पराठा, आलू और परवल की भुजिया और दही लिया थोड़ा सा। उसके बाद रेडी होने के लिए मैंने अपने कपड़े निकाल लिए, जीन्स और वाइट शर्ट। मार्केट जाने के लिए 4-5 मैंने एप्पल रख लिए बैग में, एक बॉटल पानी रखा, अपना वॉलेट रखा, उसके बाद अपना एक स्टॉल रखा, जिसको कि बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है तो फेस कवर करने के लिए, धूप से बचने के लिए। उसके बाद मैं और रितु साथ में बैठ के अपना जूता पहन रहे थे। जूता पहनने के बाद हम मार्केट के लिए निकले। मार्केट निकलने से पहले हम लोगों ने टडा टडा किया, देखिए। मम्मी को अकेले छोड़ के जा रहे हम लोग। और रितवा करेगी देखा देखी। मम्मी को छोड़ के जा रहे हम अकेले। जल्दी जल्दी टडा 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 टडा, क्या है नया नया वर्जन आया मार्केट में, टडा टडा। तुम्हारा फोन का कवर खराब हो गया, चेंज कर लूंगी, भी ले लूंगी नया मार्केट से। तो हम जा रहे थे सरोजिनी नगर, उसके लिए हमें जाना था मेट्रो एमजी रोड, तो हमने ऊबर ऑटो बुक किया। उसके बाद हमने एटीएम से कुछ पैसे निकाले जो कि मार्केट में हमें खर्च करना था, और एटीएम था हमारा एमजी रोड मेट्रो पे, हम पहुंच गए थे। उसके बाद मेट्रो कार्ड चेक किया, बैलेंस है कि नहीं। दो कार्ड थे मेरे पास, एक रितु का एक मेरा, दोनों में बैलेंस था। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया और उसके बाद हम गए ऊपर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेट्रो का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही मेट्रो आ गई, तो मेट्रो में जाके हम बैठ गए। जैसे ही मेट्रो के अंदर एंट्री की, रितु ने बोला कि सामने से रिकॉर्ड करो, सामने से ब्लॉग करो, सामने रख के सीट पे। तो थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश करा, तो हम बैठ गए यहाँ पे, और हमारे सामने जो फ्रंट वाली सीट थी वहाँ पे हमने अपना कैमरा सेट कर दिया। और यहाँ पे हम बैठे बैठे अपने जूते के जो लेसेस हैं वो निकल गए थे, तो उसको ठीक कर रहे थे। तो आ गए आई एंड में, लेकिन यहाँ से इंटरचेंज होता है तो नीचे जा रहे हैं, मतलब नीचे तो खड़ा है, ऊपर से फिर से नीचे जाएंगे चेंज करने के लिए, फिर नीचे जाके ऊपर जाना है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो फिर वहाँ से आई एंड निकल जाएंगे डायरेक्ट, मेट्रो बहुत करनी है आई एंड में, जो मार्केट में जाती है आई एंड में। तो गाइज़ हमने यहाँ पे गेट नंबर 1 के लिए एग्जिट किया था सरोजनी नगर में, उसके बाद हम बाहर निकले गेट नंबर 1 से, सामने ही आपको सरोजनी नगर दिख जाएगा। तो ये रहा गाइज़ सरोजनी नगर मार्केट, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, साफ साफ दिखेगा। मार्केट के अंदर जैसे ही हमने एंटर किया, भीड़ बहुत कम थी, बहुत कम लोग आए थे, क्योंकि छुट्टी था, हो सकता है इसके वजह से भी। आगे जैसे गए तो शॉप नंबर 101 मिला हमें, यहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट कलेक्शन वाले नेक पीस हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत ट्रेंडी हैं आजकल, 150 से इनकी रेंज स्टार्ट हो रही है।
जैसे थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पे भैया हैं जो कि बहुत सारे फिंगर रिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो मैंने जो फिंगर रिंग उठाया था उसका प्राइस था 50 रुपये, बाकी अलग अलग रेट हैं सारे फिंगर रिंग के। थोड़ा और आगे जाने पे हमें एक स्टॉल मिला जो भैया लेके खड़े थे, जो कि पैंट का कलेक्शन था। वहाँ पे अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, सारे कलर्स के अवेलेबल थे और जिसका प्राइस था 150 रुपये। उसके बाद हमने एक शॉप देखी जहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडी एंड कूल टॉप मिल रहे हैं जो कि अभी इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, जिसका भैया ने प्राइस कोट किया था 300 रुपये, बट बार्गेन करने पर भैया प्राइस कम कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बार्गेन स्किल पे। बाकी ये जो रितु ने टॉप लिया बहुत प्रीटी था, भैया मान नहीं रहते, इसको कम नहीं किया तो मैंने लिया नहीं। यहाँ पे 150 रुपये में टी शर्ट मिल रहे थे जो बहुत कूल और समरी दिख रहे थे। ये जो फ्लावर प्रिंट वाला टॉप देख रहे हैं गाइज, ये मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था, साइड में अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे तो, और यहाँ पे भी ये कलेक्शन था। तो जो भी अगर ऑनलाइन आप देख रहे हैं सारे कलेक्शन आपको सरोजनी नगर मार्केट में मिल जाएंगे। 80 रुपये में प्रिंटेड मल्टी कलर का यहाँ पे स्कार्फ भी अवेलेबल है। अगर गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं आप लोग तो इस दुकान पर ज़रूर आइएगा, यहाँ पर आपके गोवा जाने के सारे कपड़े मिल जाएंगे, इतने कलरफुल और ट्रेंडी हैं। यहाँ पे 250 रुपये में सैंडल स्लीपर मिल रहे थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, जो अभी चल रहे हैं नए रेंज में। यहाँ से हमने अपना चश्मा लिया तो मुझे बहुत ही पसंद आया था वोला चश्मा जो भी मैंने लिया, अभी दिखाऊंगी आगे आपको दिखेगा। तो भैया से हमने बार्गिन भी करा, भैया मान नहीं रहे थे बट एक पॉइंट पर आके मान गए। तो ये ट्राई कर रही थी कि मैं लग कैसा रहा है मेरे ऊपर, 3 से 4 ट्राई किया, बट रितु कभी बोल रही थी अच्छा है, कभी बोल रही थी नहीं अच्छा है, कभी ये लो कभी वो लो, तो इस डिसीजन में मैं समझ नहीं आ रहा था क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये वाला चश्मा के लिए बोली तो बहुत बड़ा है फेस पे, तो इसको हमने फाइनल नहीं किया था। जो मैंने ये दूसरा लिया है उसको फाइनल किया, इसको भी उसने मना कर दिया नहीं लेना है तो नहीं लिया, मैंने एक ही लिया यहाँ से। भैया बहुत अच्छे थे, 190 का रेंज है, बाकी रेंज अलग अलग भी हैं आपके उस चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अनिल भैया आए हैं, ये शॉप इनसे सटा हुआ ही है, शू के शॉप के बराबर में। यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रिंटेड प्लाजो पैंट मिल रहे थे जो कि 150 रुपये के थे। तो यहाँ पे 150 रुपये में शॉर्ट मिल रहे थे, टॉप मिल रहे थे जो कि वाइट कलर में थे। तो सारा जो भी देख रहे हैं आप सारा वाइट में था, कुछ भी कलर नहीं दिख रहा था, प्योर वाइट। ये वाला शॉप मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी गाइज आप लोग को, 129, जहाँ पे सारे न्यू कलेक्शन आपको मिलेंगे जो भी आप इंस्टाग्राम पे या आप ऑनलाइन शॉप करते वहाँ देखोगे। उसके बाद ये बेल्ट वाले भैया थे, यहाँ से हमने बेल्ट लिया था मिंकू के लिए। तो ये भैया भी बहुत अच्छे थे, भैया से मैंने पूछा वीडियो बना लूँ तो कह रहे वीडियो बनाने के बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो भैया से बातचीत हुई फिर बेल्ट लिया। 150 रुपये में ये वाले शॉर्ट्स मिल रहे थे लड़कों के लिए, आगे देखा तो बहुत सारे कलरफुल स्क्रंचेस थे जिसको देख के मैं पागल ही हो गई थी। इसके जस्ट बराबर में ये बैग वाला दुकान है जहाँ पे 350 से शुरुआत थी प्राइस की, अच्छे अच्छे कलेक्शन थे उनके प्राइस के। बाकी मैंने यहाँ से स्क्रंचेस भी लिया था। जैसे ही आगे बढ़ी मार्केट में देखने के लिए कि और नया नया क्या है, मुझे एक स्कर्ट दिखा यहाँ पे टंगा हुआ था, भैया से मैंने पूछा तो उन्होंने दिखाया मुझे, उसको ट्राई कर रही थी मैं ऐसे ही कि कैसा लग रहा प्रिंट देखने में। तो ये रहा स्कर्ट, अच्छा था सामने से बट थोड़ा जो फैब्रिक है इसका मुझे सही नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। नेक्स्ट वहाँ पे डेनिम शॉर्ट थी जो रितु को मैं दिखा रही थी कि लूँ कि नहीं लूँ, थोड़ा डाउट में थी, बट जब उसको उतारा तो थोड़ा कॉलर पे स्टेन लगा हुआ था तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया। एक और बैग की शॉप मिली मुझे जिसका जो प्राइस स्टार्ट था 350 रुपये से, बहुत कलरफुल दिख रहे थे बैग, बहुत प्यारे प्यारे थे ऑफिस लुक के लिए या आउटिंग के लिए। ये रहा पूरा सरोजनी नगर मार्केट जो पूरा खाली है, कभी चलने की जगह नहीं होती थी और आज यहाँ पे आप दौड़ सकते हैं बहुत आराम से। गर्मी से हमारी हालत हो गई थी ख़राब तो हमने यहाँ पे केसर मिल्क लिया। तो चेयर्स करते हुए मैंने और रितु ने इसको एंजॉय किया। चेयर्स, मस्त है, गर्मी में मज़ा आ गया। ये लो, ये वाली शॉप भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे 200 से रेंज स्टार्ट है, अलग अलग रेंज है। तो यहाँ से मैंने 2 सैंडल लिया गाइस। यहाँ पे बहुत ही कलरफुल न्यू ट्रेंडी इयर रिंग्स थे सिर्फ 50 रुपये में जो दीदी लेके खड़ी थी। ₹103 हैं। हमारी जो हालत हुई है ना आज, तो उसमें घूम के सरोजनी के जो मज़े लिए हमने
स्वामी को पता है ये भूख लग रही थी तो मैंने और रितु ने एक बर्गर लिया यहाँ से, कॉम्बो मील था। अभी हमने कोक और बर्गर लिया है कॉम्बो ऑफर में, बहुत सस्ते में निपट गया, बताऊंगी नहीं कितने का। घर अभी लिफ्ट में है, एमजी रोड लिफ्ट में, हालत खराब हो गई है। चलो 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 चलो, मेट्रो से हम जैसे ही बाहर आए गाइज, हमने एक उबर ऑटो बुक किया था घर जाने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ कार्टून हरकतें कर रही थी, रितु को साथ आ रही थी। आ गए हम लोग घर गाइज, क्या इंजॉय किया आज धूप में गर्मी में, मस्त मज़ा आ गया। ये ट्राई मत करना है ऐसे गर्मी में जाने का, और तो क्या जाके जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं ना, बहुत बुरा है। अभी जाके मुँह हाथ धोएंगे अच्छे से, एकदम चिपचिप हो गया पसीने से, गंदा सा भी अजीब फील हो रहा है। अच्छे से मुँह हाथ धोना है, रेस्ट करना है, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या क्या लिया, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। थोड़ा क्रियोसिटी बना के रखना पड़ता है ब्लॉग चलने के लिए, है ना रितवा? Yes, मम्मी बेचारी अकेले होगी, सो रही होगी या साउथ की मूवी देख रही, दो ही काम है उसका। मामी सो रही होगी फिर, सो रही थी। तो ये रही हमारी शाम की चाय, जिसमें दो तीन रस हैं जो मम्मी को खाना है, बाकी हम ये चिप्स के पैकेट हमने खरीदा था मेट्रो स्टेशन पे, खाया नहीं लेकर आ गए थे, तो चाय और चिप्स मैंने एंजॉय किया। अभी रात के डिनर के लिए मैंने मैगी बनाया है, तो मैगी खाऊंगी और सो जाऊंगी। सोने से पहले आप लोग एक अपडेट कर देती हूँ कि इतना बड़ा मेरा पिंपल आ चुका है, ये पिंपल मेरा पीछा नहीं छोड़ते, जन्म जन्म का जो बोलते हैं रिश्ता रिश्तेदार है या जो भी रिश्ता है बोल लो, वो हैं शायद, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ जा ही नहीं रहे हैं। चलिए मैं मैगी खाती हूँ, आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कॉमेंट करिए, सबके आंसर रिप्लाई करूँगी मैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।